हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग संगम काल के बारे में देखेंगे। संगम साहित्य समाज दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का कालखंड है। यह कालखंड ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी तक पसरा हुआ है। यह नाम संगम साहित्य के नाम पर पड़ा है। संगम साहित्य द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। संगम से अभिप्राय तमिल कवियों के संगम या सम्मेलन से है, जो संभवतः किन्हीं प्रमुख या राजा के संरक्षण में ही आयोजित होता था। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांडे रचाय द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चगम कहा जाता था। 3 संगम ये थे, प्रमुख संगम, मध्य संगम और अंतिम संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल से ही संगम काल कहते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरे में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत सम्मिलित थे, किंतु इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था और इस संगम का तोलाकियप्पियम नामक एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है, जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तृतीय संगम भी मदुरे में हुआ था। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री समूहों, ग्रंथों एवं महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच की अवधि तमिलकम में पांडे, चोल एवं चेर के 3 तमिल राजवंशों और कुछ स्वतंत्र सरदारों विलेर का शासन था। संगम युग का विवरण देने वाला प्रमुख स्रोत उस युग में रचित साहित्य है। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में तोलकोपियम, इतो तोक, पतु पातु, पदिने किले कनु इत्यादि ग्रंथ तथा शिला पदिकारम, मणि मेखले और जीवक चिंता मणि महाकाव्य शामिल है। तोलकोपियम के लेखक तोलकापियर या द्वितीय संगम युग का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है, साथ ही उस समय के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी भी इसमें है। एटर्ड टू के एक संग्रह ग्रंथ है और तीसरे संगम के 8 ग्रंथों का संग्रह है। ये 8 ग्रंथ है नपिने, कुरुनाथ के एन कुरुने, पदिति परिपादल, कली थोके, आहनु परुनानु। तमिल संगम का सर्वप्रथम उल्लेख अगो पुरुल के भास की भूमिका में मिलता है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगत ओ कैडिने ने किया था। तिरुकाम पिलियर चेर चोल ओ पांड 3 राजाओं का संगम स्थल था। संगम साहित्य की मुख्य विषय वस्तु 2 है। इसका संबंध प्रेम से है, पूरम या युद्ध के बारे में है। तोलकोपियम में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। नोडल उल्वेदे में पांड्य राजा नोडेन जेलियन व उनकी रानी का वर्णन है। शिल पादिकारम व मणि मेखले संगमकालीन महाकाव्य है। शिल्प का दीपारम का नायन कावन माधवी नामक मणिका पर अपना सारा धन गंवाकर अपनी पत्नी टंकी के साथ आता है। कोलन का कनगिरी मदुरा के लिए रवाना होते हैं। मदुरा में कोलन और रानी की एक पायल चुराने का झूठा आरोप लगता है। वो राजा कोलन को जल्दबाजी में मृत्युदंड दे देता है। कर्णगी अपने पति को निर्दोष साबित करती है। निर्दोष कोलन को मृत्युदंड देने की गलानी में राजा की मृत्यु हो जाती है तथा कर्णगिनी के साप को मदुरा जलकर राख हो जाता है। शिल्प अधिकारम का लेखक जैन है। प्रोफेसर मेंडाले ने शिल्प अधिकारम को तमिल काव्य का इलियड और मणि मेखले को तमिल का ओडिसी कहा। उवियर ओम नेचलियर संगम काल की 2 प्रसिद्ध कवियत्री थी। पतु पपातु कोरी पतनम पर रचित एक लंबी कविता है। संगम कवि कपिलर को पारी नामक चेर राजा ने संरक्षण दिया था। कपिलर ने कैथोलोकी और कुरिंजा पाती नामक ग्रंथ लिखे। मामुलार नामक तमिल कवि ने नंदो और मरियो का उल्लेख किया। जीवन चिंतामणि को विवाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। नचिरी किनियर ने संगम कृतियों पर टीका लिखी। अंकित साक प्रशासन था, वंशानुगत था। राजा को मेंडल कहा जाता था। समस्त अधिकार राजा में निहित थे। राजा को मन वंदन कारवेन इत्यादि उपाधियां दी गई थी। ये उपाधियां राजा एवं देवता दोनों के लिए थी। राजा के सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यसभा को मनरम कहते हैं। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। राजा के दरबार को नलबे भी कहा जाता था। सेनापति
सेना के सेनापति नाड़ी को उपाधि दी जाती थी। सेना की अगर टुकड़ी को तुसी एवं पिछली टुकड़ी को कुली कहा जाता था। सेना में विलाल भर्ती किए जाते थे युद्ध में मरे सैनिकों की स्मृति में। पशान मूर्तियां बनाई जाती थी, इस प्रकार मूर्तियों को नडुकल एवं विरिकल कहते थे। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संगम काल में उत्तर भारत की संस्कृति के तत्वों पर दक्षिण में प्रसार हुआ। संगम काल के चार वर्ण थे, अरसर, अडनार, वेनिगर, वेलार। इस काल में भी जाति प्रथा का आधार व्यवसाय ही था। व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति हुआ करती। तमिल क्षेत्र में ब्राह्मणों का आगमन सर्वप्रथम संगम काल में ही होता था। भूमि अधिकतर वेलाल जाति के हाथों में थी, जो धनी कृषक वर्ग था। शासक वर्ग की वेलाल जाति से ही निकलता था। वेलाल के प्रमुख को वेलिर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कैडेसियर कहते हैं। वेलाल को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, धनी कृषक एवं भूमिवान वर्ग। चोल राज्य में धनी कृषकों को वेल तथा आरसू की उपाधि दी जाती थी। पांडे राजा इन्हें कुंदी भी उपाधि दी जाती थी। उच्च सैनिक वर्गों में सती प्रथा का प्रचलन था। अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित था, दास प्रथा भी प्रचलित थी। दासों के लिए नियमित बाजार लगते थे। गायक और नर्तकों को पार एवं वेडलियर कहा जाता था। संगम काल में कृषि, पशुपालन व शिकार जीविका के मुख्य आधार थे। दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि द्वारा कृषि का विस्तार किया गया था। जहाजों का निर्माण तथा कताई बुनाई महत्वपूर्ण थे। उरियर सूती वस्त्र उद्योग तथा महत्वपूर्ण केंद्र था। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय में होता था। बाजार को ओनियम कहते थे। पांडे राजा के प्रमुख बंदरगाह सालियूर, कुरकाय आदि थे। चोल राज्य के प्रमुख बंदरगाह पुहार और उरई थे। टालमी ने कावेरी पट्टनम को खबेरिस नाम दिया। तोंडी, मुसरी एवं पुहार में यवन लोग बड़ी संख्या में विद्यमान थे। संगम काल में रोम के साथ व्यापार उन्नत व्यवस्था में था। अरी कामेडू ने रोमन लोगों की बस्ती रोमन सम्राट अगस्टम एवं टवेरियस की मुहरें मिली। पेरिप्लस ने अरी मेकेडू को पोड़िका कहा। पश्चिमी देशों को काली मिर्च मसाला, हाथी दांत, रेशम, मोती, सूती वस्त्र, मलमल आदि का निर्यात किया जाता था। आयात वस्तुओं में सिक्के, पुखराज, छपे हुए वस्त्र, सीसा, टीना, तंबा और शराब प्रमुख। पुहार एक सर्वदेशीय महानगर था। यहाँ विभिन्न देशों के नागरिक रहते थे। संगम काल के दक्षिण भारत का मल दीपो एवं चीन के साथ व्यापार थे। यूनान के दक्षिण भारत के साथ व्यापार के कारण ग्रीक भाषा में चावल, अदरक आदि शब्द तमिल भाषा के लिए लिए गए थे। पेरिप्लस में संगम युग 24 बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है, जो सिंध नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत थे। भूमि मापन की इकाई वैली एवं मोहती थी। अबानंद अनाज एवं माप था। नाली, अलाकू और उलाक भी छोटी मापे थी। संगम युग में दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का आगमन हुआ। दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है। मुरुगन एक अन्य नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है। बाद में सुब्रमण्यम का एकाकरण स्कंद कृतिकेय से किया गया है। मुरुगन का दूसरा नाम वेलन भी था। वेल एवं बर्छी इनकी प्रमुख अस्त्र था। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा था। पहाड़ी क्षेत्र के शिकारियों पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे। मुरुगन की पत्नियों में कुरुवन नामक पर्वतीय जनजातीय की स्त्री भी शामिल थी। शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से संगम युग स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस काल में समाज में शिक्षा का न केवल प्रचलन था, बल्कि ज्ञान जगत के सभी विषय जैसे विज्ञान, कला, साहित्य, गणित और ज्योतिष, चित्रकला और मूर्तिकला आदि का समुचित ज्ञान दिया गया था। संगम काल की बात करें तो तीसरी शताब्दी के अंत तक संगमकालीन व्यवस्था धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर होती गई। 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच काल ब्रंश ने तमिल देश पर कब्जा कर लिया। इस अवधि को पहले के इतिहासकारों ने अंतरिम युग या अंधकार युग कहा। नलिन कोडम संगम युग का अंतिम ज्ञात पांडव शासक था। तो ये थी इन्फॉर्मेशन संगम काल से रिलेटेड। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।